नमो नमः विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में संस्कृत विषय, और संस्कृत विषय में पढ़ रहे हैं हम भर्तृहरि विरचित नीति शतकम। देखिए कि ये जो भर्तृहरि हैं, भर्तृहरि के विषय में अनेक किंवदंतियाँ प्रसिद्ध हैं, और एक किंवदंती के अनुसार ये जो भर्तृहरि हैं, ये भर्तृहरि अपनी एक पत्नी जिसका नाम अनंगसेना या पद्माक्षी था, उससे बहुत प्रेम करते थे, और अपनी उस पत्नी से यह अत्यंत प्रेम करते थे। और वह जो पत्नी है वह एक बलाध्यक्ष से प्रेम करती थी, और वह बलाध्यक्ष एक वैश्या से प्रेम करता था, और वैश्या राजा भर्तृहरि से प्रेम करती थी। एक बार क्या है, एक तपस्वी आते हैं, और एक तपस्वी राजा भर्तृहरि को एक आयुवर्धक फल दे देते हैं। उस फल से क्या है, उसकी आयु बढ़ जाती, अमर हो जाते महाराज। लेकिन महाराज तो क्या है, अपनी रानी अनंगसेना से, जिसका दूसरा नाम पद्माक्षी है, उससे बहुत प्रेम करते थे। और प्रेम करते थे तभी क्या होता है कि एक तपस्वी आकर के राजा को आयुवर्धक एक फल देते हैं, और उस फल के लिए राजा उपयुक्त उस रानी को समझते हैं, क्योंकि राजा उस रानी से अत्यंत प्रेम करते थे, और राजा वह फल उस रानी को दे देते हैं। लेकिन रानी राजा से प्रेम नहीं करती थी, रानी किससे करती थी, एक बलाध्यक्ष से करती थी। और वह बलाध्यक्ष क्या करता है, सॉरी, वह रानी उस फल को उस बलाध्यक्ष को दे देती है, और बलाध्यक्ष को जब दे देती है तो बलाध्यक्ष भी रानी से प्रेम नहीं करता है, किससे प्रेम करता है बलाध्यक्ष, एक वैश्या से प्रेम करता है। और उस वैश्या से प्रेम करता है तो वह उस वैश्या को वह फल दे देता है। लेकिन तभी क्या है, जो राजा भर्तृहरि हैं, वैश्या सोचती है कि मैं तो क्या करूँगी इस फल का, लेकिन अगर महाराज की आयु बढ़ जाए तो ठीक है। तो वह वैश्या क्या करती है, उस फल को महाराज भर्तृहरि को दे देती है। और जब भर्तृहरि को दे देती है तो भर्तृहरि के समझ में पूरी कहानी आ जाती है। तो इस प्रकार से क्या है विद्यार्थियों, एक गोरखनाथ नाम के गुरु होते हैं इनके, और उनसे दीक्षा लेकर के ये वैराग्य अपना लेते हैं। और फिर इन्होंने क्या है, अनेक ग्रंथों की रचना की है, जिसमें शतक त्रय हैं। अब देखिए, जब राजा को यह पता चल जाता है कि वह रानी बलाध्यक्ष से, बलाध्यक्ष उस वैश्या से, और वैश्या महाराज से प्रेम करते हैं, तो इस प्रकार से क्या है, वह उस रानी अनंगसेना को, जिसका दूसरा नाम पद्माक्षी भी हो सकता है, उसको क्या है, बहुत भला बुरा सुनाते हैं। और उस रानी को जब आत्मग्लानि होती है तो वह आत्महत्या कर लेती है और मर जाती है। लेकिन उसके कुछ समय बाद क्या होता है कि वह जो राजा हैं वह अकेले थे, और अकेले थे तो समय मिलने पर, अवसर मिलने पर क्या करती है, एक दूसरी रानी होती है जिसका नाम होता है पिंगला, और वह जो पिंगला नाम की रानी है वह महाराज को अपने प्रेम के वश में कर लेती है। और प्रेम के वश में कर लेती है तभी क्या होता है, एक दिन महाराज शिकार खेलने के लिए जाते हैं, और शिकार खेलने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं महाराज, के एक शिकारी ने एक मृग को मार दिया, मृग मर गया। तभी क्या है, उस शिकारी को एक सांप ने खा लिया, तो शिकारी भी मर गया। वहाँ मृगी, मृग की पत्नी हिरणी आती है भगी भगी, और वह अपने पति मृग के वियोग में प्राण त्याग देती है। और उसके बाद क्या होता है कि उस शिकारी की पत्नी भी वहीं आती है, और चिता लगवा के वह भी क्या है, वहाँ सती हो जाती है। यह बड़ा आश्चर्य
जनक दृश्य था राजा भर्तृहरि के लिए, क्योंकि भर्तृहरि तो पहले धोखा खाए हुए थे। और जब क्या होता है, वे महल में आते हैं तो यह संपूर्ण वृतांत अपनी रानी पिंगला को बताते हैं। पिंगला कहती है, महाराज इसमें चिता लगाने की क्या ज़रूरत है, जब प्रेम सच्चा होता है तो प्राण वैसे ही निकल जाते हैं। महाराज को अद्भुत लगा, क्योंकि महाराज तो अंगनंग सेना से धोखा खाए हुए थे। फिर कभी महाराज शिकार खेलने के लिए गए, और जब महाराज शिकार खेलने के लिए गए तो शिकार खेलने के बाद लौटने से पहले क्या किया, उन्होंने अपने कुछ वस्त्र रक्त में भिगो करके अपने सैनिकों के हाथों से पिंगला के पास भिजवा दिए, और यह कहलवा दिया कि महाराज को एक जंगली जानवर ने खा लिया है। जब यह वृतांत पिंगला ने सुना तो उसने क्या किया कि उन वस्त्रों को रख के उनके हाथ जोड़ करके और अपने प्राण त्याग दिए। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़ा दुख भी हुआ, और इस दुख से दुखी होकर के राजा ने गोरखनाथ से दीक्षा लेकर के वैराग्य धारण कर लिया। और उसके बाद विद्यार्थियों, इन्होंने क्या किया कि कुछ रचनाएं लिखीं। तो देखिए, परीक्षा में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो उसकी जो पत्नी का नाम मिलता है, भर्तृहरि की पत्नी, तो देखिए पहली तो थी जिसका नाम पद्माक्षी जी मिलता है, और इसका दूसरा नाम अनंग सेना। और उसके बाद जो दूसरी नाम की विद्यार्थियों जिसका उल्लेख मिलता है हमें, जिसका नाम है पिंगला। यह जो वृतांत है, यह जो अनुश्रुति है विद्यार्थियों, एक ग्रंथ है हमारे संस्कृत साहित्य में जिसका नाम है सिंहासन 32, उसमें यह कथा मिलती है। यह जो कथा है किस ग्रंथ में मिलती है, सिंहासन 32 नामक एक ग्रंथ है उसमें मिलती है। फिर देखिए, राजा ने दीक्षा ली थी किसे, गोरखनाथ से, और इनकी इनका अगर आपसे कोई मंदिर पूछता है कि भर्तृहरि का मंदिर कहाँ है, तो आप बताएंगे अलवर जिले में, अलवर में सरिस्का के पास है विद्यार्थी। कहाँ पर है? सरिस्का के पास। और इसके बाद इनकी अगर गुफा के विषय में पूछता है आपसे, तो आप बताएंगे इनकी गुफा पुष्कर में है, पुष्कर अजमेर में। और देखिए विद्यार्थियों, इनकी जो रचना है इनकी रचनाओं में देखिए, एक तो है शतक त्रय। शतक त्रय में क्या आते हैं, नंबर एक नीति शतक, नंबर दो वैराग्य शतक, और नंबर तीन है श्रृंगार शतक। देखिए विद्यार्थियों, इन सभी ग्रंथों में प्राय 100-100 श्लोक हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, हम शतक कहते हैं। अब देखिए, इस शतक त्रय को सुभाषित त्रिशती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? सुभाषित त्रिशती।
ये क्या है सब विद्यार्थियों, इनकी गणना किसमें होती है? वीटी काव्य में होती है। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि इनकी गणना कहाँ होती है, तो आप देंगे जवाब वीटी काव्य में होती है। और ये मुक्तक काव्य है। कैसे हैं ये मुक्तक काव्य? इनमें इनके अलावा एक व्याकरण का दर्शन ग्रंथ है भर्तृहरि का, जिसका नाम है वाक्पदीयम। और इन्होंने पतंजलि के महाभाष्य पर टीका भी लिखी है विद्यार्थियों। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, सबसे पहले हमारे लिए व्याख्याएं आती हैं, और व्याख्याओं में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? संदर्भ लिखते हैं विद्यार्थियों। संदर्भ लिखेंगे आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्य, भर्तृहरि, विरचित, प्रस्तुत पद्य भर्तृहरि विरचित, नीति शतकम्, से अवतरित है। इसका विद्यार्थियों आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए क्या कहता है, जब उनको पता चलता है भर्तृहरि को, तो देखिए, यां चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्यम इच्छति जनम सा जनोप्यन्य सक्ता अस्मत्कृते च परितुष्यति काचित अन्या धिक्ताम च ताम च मदनम च इमाम च माम च। देखिए क्या हुआ, जब भर्तृहरि को इस विषय में पता चला कि मैं जिसको प्रेम करता हूँ वह किसी दूसरे से प्रेम करती है, वह जिसे प्रेम करती है वह किसी दूसरी से प्रेम करता है, और कोई दूसरी मुझसे प्रेम करती है। देखिए, याम चिंतयामि, याम माने जिसके विषय में, चिंतयामि चिंतन करता हूँ, सततम निरंतर। क्या कहते हैं भर्तृहरि महाराज कि याम चिंतयामि सततम, कि जिसके विषय में मैं निरंतर चिंतन करता हूँ, मई सा विरक्ता, मेरे विषय में वह विरक्त है, वह मुझसे प्रेम नहीं करती है, मेरे तरफ उसकी आसक्ति नहीं है। कैसी है वह? मेरे विषय में विरक्त है। क्या कहा? कि याम चिंतयामि, कि जिसके विषय में मैं चिंतन करता हूँ, जिसके विषय में मैं सोचता हूँ, सततम निरंतर, जिसके विषय में मैं निरंतर सोचता रहता हूँ, मई सा विरक्ता, मेरे विषय में क्या है वह? विरक्त है, आसक्ति से रहित है। सापि अन्यम इच्छति जनम, कि सापि वह भी,
अन्यम इच्छति जनम, दूसरे व्यक्ति को चाहती है। क्या कहा? सापि अन्यम इच्छति जनम, वह भी किसी दूसरे व्यक्ति को चाहती है। और स जनो अन्य सकता, और वह जो व्यक्ति है वह किसी दूसरी को चाहता है। क्या कहा? कि सापि अन्यम इच्छति जनम, के वह किसी दूसरे व्यक्ति को चाहती है। और स जनो अन्य सकता, और वह जो व्यक्ति है वह किसी दूसरी को चाहता है, दूसरी पर आसक्त है। और अस्मत् क्रचित अस्मत् कृते च, और हमारे लिए परितुष्यति काचित अन्या, कि परितुष्यति तुष्ट होती है, हमसे संतुष्ट है काचित अन्या कोई दूसरी स्त्री। देख धिक्कार है ताम उस रानी को, तम उस बलाध्यक्ष को, मतनम कामदेव को, इमाम इस वैश्या को, माम च और मुझे। क्या बताया भर्तृहरि ने? कि याम चिंत्यामि सततम मई सा विरक्ता, कि मैं जिसके विषय में निरंतर सोचता रहता हूँ मई सा विरक्ता, कि वह मेरे विषय में विरक्त है। और सापि अन्यम इच्छति जनम, और वह भी किसी दूसरे व्यक्ति को चाहती है। और सजनो अन्य सकता, और वह व्यक्ति भी क्या है किसी दूसरी को चाहता है। अस्मत् कृते च परितुष्यति काचित अन्या, हमारे लिए कोई दूसरी स्त्री संतुष्ट होती है। और धिक् च ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च, धिक् च देख धिक्कार है उस रानी को, उस पुरुष को, मदनम कामदेव को, इमाम इस वैश्या को जो हमारे लिए संतुष्ट है, और माम च और मुझे, कि ये मुझे और इन सबको क्या है आपस में धिक्कार है। ये विद्यार्थियों महत्वपूर्ण श्लोक है इस नीति शतक का, क्योंकि इस श्लोक के आधार पर ही महाकवि जो भर्तृहरि हैं उन्होंने इन शतक की रचना कर दी। और इन शतक में ये जो वैराग्य शतक है विद्यार्थियों, यह भर्तृहरि का सर्वस्व माना जाता है। क्या माना जाता है वैराग्य शतक? भर्तृहरि का सर्वस्व माना जाता है वैराग्य शतक को। आप देखिए, आप इसमें देखेंगे तो कौन सा, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह। अब आप लिख देंगे इसमें विशेष में क्या लिख देंगे, इसमें चौदह वर्ण हैं। और लिखेंगे आप इस पद्य में बसंत दिल का छंद है। और इसके बाद फिर आप लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी, और व्याकरण टिप्पणी में विद्यार्थियों देखिए आप लिखेंगे चिंतयामि आप लिखेंगे चिंत धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। फिर देखिए साप्यन्यम आप लिखेंगे सात प्लस अप्यन्यम, और आप लिखेंगे विद्यार्थियों इसमें यण संधि। देखिए इच्छति आप लिखेंगे ईस धातु
लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। फिर देखिए सा आप लिखेंगे तद शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। पांचवा है जन्म आप लिखेंगे जन शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन। इसके बाद छठवां है मई आप लिखेंगे अस्मत् शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, दूसरा श्लोक है, क्या कहते हैं भर्तृहरि कि बोधारो मत्सर ग्रस्ता प्रभव समय दूषित स्मय दूषिता अबोधो वदाशन्य जीर्णम अंगे सुभाषितम। कि जब अपना ग्रंथ लिखना प्रारंभ कर रहे हैं भर्तृहरि, तो भर्तृहरि क्या कहते हैं कि बोधारा कहते हैं विद्यार्थियों जानने वाले, मत्सर ग्रस्ता मत्सर कहते हैं ईर्ष्या को। क्या कहा कि बोधारो मत्सर ग्रस्ता कि जो बोधा हैं, जो जानने वाले हैं, मत्सर ग्रस्ता कि वे ईर्ष्या से ग्रसित हैं, और प्रभव और जो स्वामी हैं वे इसमय दूषिता, इसमय कहते हैं घमंड को। क्या कहा बोधारो मत्सरग्रस्ता कि जो जानने वाले हैं, जो जानकार हैं, वे तो मत्सरग्रस्ता कि वे ईर्ष्या से युक्त हैं, और प्रभव और जो स्वामी हैं इसमय दूषिता कि वे घमंड से युक्त हो गए हैं, घमंड से दूषित हो गए हैं, और अबोधोपताश्च अन्य और अबोध उपहाताश्च अन्य और अन्य व्यक्ति ऐसे हैं जो अज्ञान से ढके हुए हैं, जिनमें ज्ञान नहीं है उनको पढ़ने का। जीर्णम अंगे सुभाषितम कि जो सुभाषित हैं, जीर्णम अंगे कि वे अंगों में ही मुख में ही जीर्ण हो रहा है, अर्थात उन सुभाषित को अच्छे वचनों को सुनने वाला कोई भी नहीं है। क्या कहा बोधारो मत्सरग्रस्ता कि जो जानने वाले हैं वे ईर्ष्या से युक्त हैं, और प्रभव इसमय दूषिता और जो स्वामी हैं वे अभिमान से दूषित हैं,
और अबोधोपताशन्य और अबोध और अबोध से अज्ञान से उपहताश ढके हुए हैं अन्य दूसरे जीर्णम अंगे सुभाषितम कि जो सुभाषित है वह मुख में ही जीर्ण हो रहा है अर्थात उस सुभाषित को सुनने वाला कोई भी नहीं है। क्या कहा कि बोधधारा जो जानने वाले हैं जो सूक्तियों को समझ सकते हैं अच्छे अच्छे वचनों को समझ सकते हैं वे तो मत्सर ग्रस्ता के वे तो अपने उससे ग्रस्त हो गए हैं ईर्ष्या से और जो स्वामी हैं वे अभिमान से दूषित हो रहे हैं और अबोधो उपताश्चन्य के जो अन्य व्यक्ति हैं वे अबोध से अज्ञान से या घमंड से दूषित हो गए हैं और अबोधो उपताश्चन्य के जो अन्य व्यक्ति हैं वे अज्ञान से युक्त हैं और जीर्णम अंगे सुभाषितम कि जो सुभाषित है अच्छे जो वचन हैं वे अंगों में ही जीर्ण हो रहे हैं अर्थात सुभाषितों को सुनने वाला कोई नहीं है और सुभाषित मुख में ही जीर्ण हो रहे हैं। क्या बताया कि जो सूक्तियों को समझ सकते हैं अच्छे अच्छे वचनों को समझ सकते हैं वे व्यक्ति तो क्या है ईर्ष्या से युक्त हो गए हैं उनमें क्या आ गया है अभिमान आ गया है और प्रभाव और जो स्वामी हैं धनादि से युक्त हैं जो राजा लोग हैं ऐसे व्यक्ति हैं वे इसमय कहते हैं घमंड से दूषित हैं और अबोध उपताश्च अन्य और जो अन्य व्यक्ति हैं अन्य से तात्पर्य क्या होता है जो साधारण व्यक्ति हैं वे अज्ञान से ढके हुए हैं अर्थात उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि किस वचन को किस प्रकार से समझना है कोई सी सूक्ति क्या कहती है इस बात का पता नहीं है और जीर्णम अंगे सुभाषितम तो इसलिए जो सुभाषित है वह किस में है अंग में मुख में जीर्ण हो रहा है अर्थात सुभाषितों को सुनने वाला कोई भी नहीं। अब देखिए आप इसमें कहेंगे विशेष और विशेष में क्या होता है विद्यार्थियों नंबर एक काल के रखेंगे आप इस पद्य में अनुष्टुप छंद है और फिर देखिए दूसरा लिखेंगे आप इस पद्य में काव्य व्यक्त अलंकार है और देखिए फिर लिखेंगे आप व्याकरण टिप्पणी व्याकरण टिप्पणियों में लिखेंगे देखिए अबोधोपसा क्या लिखेंगे अबोधोपसा आप लिखेंगे अबोध प्लस उपह और संधि हो जाएगी गुण संधि विद्यार्थियों और इसके बाद अंगे आप लिखेंगे अंग शब्द सप्तमी एक वचन फिर देखिए आप लिखेंगे अन्य चांदे आप लिखेंगे च प्लस अन्य और संधि हो जाएगी दीर्घ संधि और फिर देखिए
सुभाषितम। आप लिखेंगे सुभाषित शब्द प्रथमा एकवचन फिर है अबोधा। आप लिखेंगे ना बोधा और आप लिखेंगे तत्पुरुष समास। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए क्या कहते हैं, अज्ञ व्यक्ति के बारे में कहते हैं। भारवी अज्ञ का तात्पर्य क्या होता है, सॉरी अल्पज्ञ के विषय में बताते हैं। अल्पज्ञ उसको कहते हैं जिसको थोड़े विषय का ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं हम अल्पज्ञ कहते हैं। जिसको थोड़े विषय का ज्ञान होता है विद्यार्थियों उसको कहते हैं हम अल्पज्ञ। तो देखिए क्या कहते हैं भर्तृहरि, भर्तृहरि कहते हैं अज्ञ सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि तम नरम न रंजयति। क्या कहते हैं देखिए कि अज्ञ सुखम आराध्य, कि जो अज्ञ व्यक्ति होता है, जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, सुखम आराध्य उसको सुख पूर्वक समझाया जा सकता है। क्या कहा, अज्ञ सुखम आराध्य, कि जो अज्ञानी व्यक्ति होता है उसको सुखम आराध्य सुख पूर्वक समझाया जा सकता है। और सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ, और जो विशेषज्ञ व्यक्ति होता है जिसको किसी भी विषय का विशेष ज्ञान होता है सुखतरम आराध्यते उसको सुख अत्यंत सुख पूर्वक समझाया जा सकता है, प्रसन्न किया जा सकता है। क्या कहा, अज्ञ सुखम आराध्य, कि जो अज्ञानी व्यक्ति होता है उसको सुख पूर्वक समझाया जा सकता है, सुख पूर्वक प्रसन्न किया जा सकता है। और सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ, और जो विशेषज्ञ व्यक्ति होता है उसको अत्यंत सुखपूर्वक समझाया जा सकता है। और ज्ञान लव दुर्विदग्धम, कि ज्ञान लव दुर्विदग्धम, कि जिसको ज्ञान की प्राप्ति का गलत अभिमान होता है, जिसको अल्प ज्ञान होता है, ब्रह्मा अपि तम नरम न रंजयति, कि ब्रह्मा जी भी उस व्यक्ति को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। क्या बताया, कि अज्ञ सुखम आराध्य, कि जो अज्ञानी व्यक्ति होता है उसको सुख पूर्वक प्रसन्न किया जा सकता है। सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ, और जो विशेषज्ञ व्यक्ति होता है उसको भी सुख पूर्वक प्रसन्न किया जा सकता है। और ज्ञान लव दुर्विदग्धम, कि ज्ञान की प्राप्ति के गलत अभिमान वाला जो व्यक्ति है, जिसको ऐसा अभिमान है कि मुझे अत्यंत ज्ञान हो गया है,
जिसको अल्प ज्ञान है, अल्प ज्ञान वाला, अल्प ज्ञानी ऐसा जो होता है। ब्रह्मा अपि तम नरम नरंजयति, कि ब्रह्मा जी भी ऐसे व्यक्ति को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। क्या कहते हैं कि जिस व्यक्ति को ज्ञान का मिथ्या अभिमान है, जिसको पूर्ण ज्ञान नहीं है लेकिन क्या है, उसको मिथ्या अभिमान है, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मा जी भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। इसमें यह बताया है कि अगर कोई व्यक्ति अज्ञानी है, जिसको किसी विषय का ज्ञान नहीं है, तो उस व्यक्ति को बड़े आराम से समझाया जा सकता है, उसको बहुत आराम से प्रसन्न किया जा सकता है, और सुखम आराध्यते विशेषज्ञ। और अगर कोई व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान वाला है, जिसको किसी विषय का विशेष ज्ञान है, तो उसको बहुत आसानी से और ज़्यादा अधिक आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। ज्ञान लव दुर्विदग्धम, और जिसको ज्ञान की प्राप्ति का गलत अभिमान है, ब्रह्मा अपि तम नरम नरंजयति, कि ब्रह्मा जी भी ऐसे व्यक्ति को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। कैसे व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को गलत अभिमान है, मिथ्या अभिमान है ज्ञान प्राप्ति का, उसको पूर्ण ज्ञान नहीं है किंतु उसे अपने ज्ञान प्राप्ति का मिथ्या अभिमान है, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते। दुराग्रही बोलते हैं इसको विद्यार्थियों, दुराग्रह वाला, जो किसी की बात नहीं सुने। तो इस विषय में क्या है, कभी भर्तृहरि बताते हैं। अब देखिए, आप इसमें छंद देख लेंगे, वर्ण गिन के, अब व्याकरण टिप्पणी लिख लेते हैं। व्याकरण टिप्पणियों में आप लिखेंगे, व्याकरण टिप्पणियां विद्यार्थी हो, लेकिन पहली है जैसे अज्ञ, तो आप लिखेंगे न ज्ञ अज्ञ, और हो जाएगा तत्पुरुष समास। फिर देखिए दूसरा है सुखतरम, अगला क्या है सुखतरम, आप लिखेंगे सुख प्लस तरम प्रत्यय, और फिर तीसरा है देखिए ब्रह्मापि अपि, और आप लिखेंगे विद्यार्थियों दीर्घ संधि, फिर देखिए चौथा है नरम, आप लिखेंगे नर शब्द द्वितीय एकवचन, फिर देखिए पांचवा है रंजयति, आप लिखेंगे रंज धातु लटकार प्रथम पुरुष एक वचन,
दुर्विदग्धम आप लिखेंगे दूर व बी उपसर्ग दह धातु और त प्रत्यय प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए विद्यार्थियों हम प्रतिदिन की तरह फिर 5 प्रश्न लिखेंगे, उनके जवाब आपको लिखने हैं अपनी उत्तर पुस्तिका में। पहला प्रश्न है सुभाषित सरस्वती में कौन कौन से काव्य हैं। दूसरा है सुभाषित सरस्वती या फिर इसको कहते हैं शतक त्रय की रचना किसने की। और तीसरा है भर्तृहरि की पत्नी का क्या नाम है। चौथा है भर्तृहरि का मंदिर कहां पर है। और पांचवा है विद्यार्थियों भर्तृहरि रचित व्याकरण ग्रंथ का नाम लिखिए। ग्रंथ कौन सा है। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें,
आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।